देवरी में कांग्रेसी विधायक हर्ष यादव ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और पकौड़े के स्टॉल लगाए। देवरी नगर पालिका चौराहे पर क्षेत्रीय विधायक हर्ष यादव की उपस्थिति में बेरोजगार युवाओं ने प्रधानमंत्री पकौड़ा रोजगार योजना का स्टॉल लगाकर पकौड़े बेचे। कांग्रेसियों ने एनडीए सरकार पर आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी ने पीएम बनने से पहले 2000 के लोकसभा चुनाव में बड़े बड़े वादे किए और हर साल 2 करोड़ नौकरी देने की बात कही, लेकिन पीएम बनने के बाद अब रोजगार की जगह पकौड़े की दुकान लगाने की बात कर रहे हैं। इस धरना प्रदर्शन में कांग्रेसी विधायक हर्ष यादव के साथ कांग्रेसी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे और सरकार विरोधी नारे लगाए। छतरपुर महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने सरकार द्वारा चलाई जा रही मोबाइल योजना का बहिष्कार किया है। इनका कहना है कि जो मोबाइल बांटे गए हैं वह अच्छी क्वालिटी के नहीं है। सरकार के द्वारा चलाई जा रही मोबाइल योजना छतरपुर महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को रास नहीं आ रही है। दरअसल सरकार ने 4G मोबाइल देने का वादा किया था, लेकिन इसकी जगह पर 3G फोन दिए जा रहे हैं। इसको लेकर विद्यार्थियों का कहना है कि सरकार 4G फोन उपलब्ध कराएं या तो उसकी कीमत दें, क्योंकि जो फोन दिए जा रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। इसी को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन को लेकर राज्य मंत्री कहा है कि इसकी हमें लिखित शिकायत दें, मुख्यमंत्री से समाधान कराएंगे। सागर जिले में बेटियों के साथ दुष्कर्म होने की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला देवरी थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां पर एक युवक ने नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। अपनी मां के साथ थाने पहुंची दुष्कर्म पीड़िता ने गांव के स्वाम नाम के युवक पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने बताया, जब वह पानी भरकर अपने घर जा रही थी, तभी रास्ते में स्वाम उसे पकड़कर पड़ोसी के घर में ले गया और उसके साथ इस घटना को अंजाम दिया। इसके बाद आरोपी ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी देते हुए यह घटना किसी को ना बताने को कहा। देवरी पुलिस ने 376 और अन्य धाराओं के साथ मामला दर्ज कर फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में छात्रावास के कमरे में पंखे से लटककर 10वीं में पढ़ने वाले छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। छतरपुर जिले की प्री मैट्रिक छात्रावास में 10वीं में पढ़ने वाले छात्र वीरेंद्र अहिरवार ने अपने छात्रावास के कमरे में पंखे से लटककर फांसी लगा ली। उधर छात्रावास में मौजूद अन्य छात्रों ने जब छात्र को पंखे से लटका देखा तो इसकी जानकारी छात्रावास के अधिकारियों और पुलिस को दी। मौके पर पहुंचे अधिकारियों एवं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। साथ ही यह पता लगाया जा रहा है कि इस छात्र ने किन कारणों के चलते फांसी लगाई। घटना के बाद मृतक बच्चे के परिजनों को सूचना दी गई। छात्रावास में रह रहे इस छात्र ने आखिर इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, ये एक बड़ा सवाल है। गड़ाकोटा के सिंहपुर कला गांव में कर्ज में डूबे किसान ने फांसी के फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर ली। किसान पर 3 लाख का कर्ज था। सागर जिले के गड़ाकोटा थाने के सिंहपुर कला गांव में एक किसान ने फांसी के फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर ली। किसान के ऊपर 3 लाख का कर्ज था। 2016 की फसल का बीमा यूनियन बैंक शाखा गड़ाकोटा से था। जिनसे कर्ज लिया था वे परेशान करते थे। हाल ही में चने की फसल में ओले गिरने से फसल खराब हो चुकी है। वहीं परिवार वालों का कहना है कि किसान ने कर्ज और ओलावृष्टि से खराब हुई फसल से परेशान था, इसलिए आत्महत्या कर ली। पुलिस ने इसे कर्ज के चलते आत्महत्या मानने से इनकार कर दिया है। पुलिस का मानना है प्रथम दृष्टि में ये बीमारी के चलते आत्महत्या है। गड़ाकोटा नगर में नियमितीकरण की मांग को लेकर अतिथि शिक्षक अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इन शिक्षकों ने विरोध का नया तरीका अपनाते हुए खून से खत लिख कर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। गड़ाकोटा अतिथि शिक्षक संघ ने हड़ताल के 16वें दिन अपने खून से लिखा ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को सौंपा। अतिथियों ने ज्ञापन में नियमितीकरण की मांग की है और लिखा है कि इस महंगाई के दौर में मजदूरों से भी कम मानदेय में शाला में सेवाएं दे रहे हैं और इतने कम है कि इस महंगाई के दौर में मजदूरों से भी कम मानदेय में शाला में सेवाएं दे रहे हैं और इतने कम मानदेय में परिवार का जीवन यापन करना मुश्किल है। लगातार चल रही अतिथि शिक्षकों की ये हड़ताल सरकार पर कितना असर डालती है ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि सरकार इनकी मांगे मानती है या फिर नहीं। महिला बाल विकास राज्य मंत्री ने टीकमगढ़ जिले में ओलावृष्टि से प्रभावित हुई फसलों का निरीक्षण किया और किसानों से बात की। इस दौरान उनके साथ प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे। केंद्रीय राज्य मंत्री वीरेंद्र खटीक टीकमगढ़ जिले में ओलावृष्टि से किसानों की फसलों में हुए नुकसान का जायजा लेने पहुंचे थे। मंत्री वीरेंद्र कुमार ने पलेरा विकासखंड के ओला प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। पलेरा तहसील के ग्राम आलमपुरा, कुबुरी, पंडुआ, भगवंत नगर, लारोन, हनोता, टीला गाँव जाकर किसानों से मुलाकात की और किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याएं जानी। इस दौरान किसानों ने मंत्री को अपनी अपनी परेशानी भी बताई, जहां मंत्री का कहना है कि किसानों की हर संभव मदद की जाएगी।